तो वहीं दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी पर मध्य प्रदेश के अंदर भी मतभेद हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की। इस बीच बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर उन्होंने तंज कसा। इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह के साथ खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज आपकी मुलाकात कमलनाथ जी से भी हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो घमासान चल रहा है, कल दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, 10 प्रस्तावक नियुक्त हो चुके हैं, वो भी कल दिल्ली पहुंचेंगे, कैसे देखते हैं कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, जहां तक सज्जन सिंह वर्मा की बात है और एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता की यदि बात है, तो हम सबके मन में यही बात है कि राहुल गांधी ही हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान राजनीति की परिस्थितियां बदली हैं, वो मैं समझता हूं कि वो परिस्थितियां ठीक नहीं बनी, इसलिए राहुल गांधी जी को अपने हाथ में कमान ले लेना चाहिए। हम सोनिया गांधी से अनुरोध करते हैं कि मेहरबानी करके आप उन्हें अनुमति दीजिए, वो फॉर्म भरें और हम सबका नेतृत्व और इस राष्ट्र का नेतृत्व करें। ये आपका कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। एक तरफ दिग्विजय सिंह भी केरल से दिल्ली पहुंचते अपना नामांकन दाखिल करते हैं, शशि थरूर ने भी जो है नामांकन दाखिल कर दिया है, तो जो पार्टी की छींचा लैदर हो रही है, जो पार्टी की छवि धूमिल करने वाली बात सामने आ रही है, अशोक गहलोत ने जब दो प्रस्ताव सामने रख दिए कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूंगा, तो ऐसी स्थिति में अब प्रस्तावकों की नियुक्ति भी शुरू हो गई है, मध्यप्रदेश से 10 लोगों को नियुक्त किया गया है, तो क्या देखते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, मैंने अपने आपके पहले प्रश्न में ही जवाब दिया है कि राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं, उसी परिस्थिति को तो हैंडल करने के लिए हाई कमान को इतना पावरफुल होना चाहिए, जिस तरह राजस्थान में आपने कहा कि अशोक गहलोत ने किया, फला ने ये किया, ढिमके ने ये किया, इसीलिए तो एक बहुत सशक्त हाई कमान की आवश्यकता है, ताकि सारे जो भारत में राज्य हैं हमारे, स्टेट पे कंट्रोल हाई कमान का हो। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी के फॉर्म भरने की बात है, तो ये भी हम बताना चाहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है, यहाँ ऐसा नहीं होता।